सब बहक रहे हैं, नाच गाना देखकर, मतलब चंचित वगैरह वीडियोस देखकर, रील्स देखकर। तो हमने एक हफ्ते का अनुष्ठान किया और दीदी से मैंने कहा कि हम देखना बालाजी के पास जरूर हमको एक हफ्ते में किसी भी हाल में बुलाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार से मिले थे वीरेंद्र शास्त्री जी से, तो कैसा लगा था आपको? पहली बार मिला तो रात के 2 बजे मिले थे। तो ब्रह्मचार्य पार्क के बारे में बताइए और कि क्या है ब्रह्मचार्य। जब ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी बागेश्वर धाम सरकार के साथ और सुहानी शाह के साथ, उसको सर समझाइए क्या हुआ था। तो देखिए, वो होंगे बागेश्वर धाम, तो बड़े लोग अपनी वीडियो बनाते हैं, उनको क्या चाहिए कि हम थोड़े से और चमत्कार के बारे में बताइए जो आपने बागेश्वर धाम में रह के देखे हैं। चमत्कार तो हमने बहुत देखे हैं, नहीं तो आप हमको रास्ते मिलेंगे अचानक से 10,000 या 2,000 रुपए दे देंगे ऐसे। सनातन धर्म का उद्देश्य है लाइक गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यो लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय हपतये नमः। लालुदेह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशूर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की शोभन गए तुलसीदार। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। परम भुज सन्यासी बाबा की जय। श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा। हे हा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया
राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाई, श्री रघुबीर हरषि उर लाई। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय रामा। हे हा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोज गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद शारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिक पाल जहां दे, कवि कोविद कहीं सके कहां ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राज पद बीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री राम जय रामा। श्री राम जय राम। तुम जुग सहस्त्र जो जन पर बानो, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांदि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जे ते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपो, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिचा से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय रामा। श्री राम जय रामा। एहा नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जोलावे। सब पर राम राज सिर ताजा,
दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फुल पावे। चारो जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जान की माता। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा, तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय रामा, ए हा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदे महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि छेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, पवन तने संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहुँ सुर भोर। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। कैसे हैं? सब बढ़िया, प्रभु की कृपा है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं आज का एक अमेजिंग पॉडकास्ट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है, और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और काफ़ी एक एनर्जी से भरी होने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों ने हनुमान चालीसा सुनी है, और अब होने वाला एक अमेजिंग सा पॉडकास्ट, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग जानने वाले हैं रिलेटेड टू हिंदुइज़्म, जो कि काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, और काफ़ी सारे जो मिथ्स हैं वो सब भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है पॉडकास्ट में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी इंस्टाग्राम की, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। भैया का भी इंस्टाग्राम दिया होगा, मेरा भी दिया रहेगा, जाके फॉलो करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग पॉडकास्ट। तो भैया, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दे दें, और उसके बाद हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो आप सबको मैं एक शायरी के साथ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बिल्कुल। आपको मैं थोड़ा अपने बारे में आज बता दूँ,
आपको मैं थोड़ा आज अपने बारे में भी बता दूं, मैं प्रभु श्री राम का हूं ये सबको बता दूं। वाह वाह। तो मेरा नाम आलोक मिश्रा है, आज मैं अपने साहिल भाई के साथ पॉडकास्ट पर आया हूं। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाला है। यहां पर हम सनातन धर्म की बात करेंगे, ब्रह्मचर्य की बात करेंगे कि जो आजकल के युवा अपना तेज चंचित्र देखकर नष्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सब बहक रहे हैं, नाच गाना देखकर मतलब चंचित्र वगैरह वीडियोस देखकर रील्स देखकर सब बेकार हो रहे हैं। आजकल के स्कूलों में क्या हो रहा है, हम भी क्लास 11th में हैं और साहिल भाई भी क्लास 11th में हैं जी। तो हमारी कहानी कुछ अलग है, तो वो सब हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग से कि बचपन से कैसा आपका इसमें इंटरेस्ट था, या फिर आप कैसा था बचपन तक, अभी तक की जो जर्नी है। स्पिरिचुअल तो मैं बचपन से ही था, लाइक मतलब तब उतना नहीं था। मेरी जिंदगी 2.5-3 साल पहले बदली है, जब से हमने बागेश्वर धाम जाना शुरू किया। तो लाइक इतना मतलब स्पिरिचुअल नहीं था मैं भी। लाइक बागेश्वर धाम पर हमारी और हमारी दीदी से वेट लगी कि लाइक एक हफ्ते पहले मैंने गुरुदेव की रील देखी, तो अचानक से अंदर से मतलब कुछ मन में आया, तो हमने अनुष्ठान किया 100-100 पाठ। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 मतलब 100 बार होता है, छोटा ही बंध महासुख होई, वो हर बंधन से मुक्त होकर महासुख को पा जाता है। तो हमने एक हफ्ते का अनुष्ठान किया और दीदी से मैंने कहा कि हम देखना बालाजी के पास जरूर हमको एक हफ्ते में किसी भी हाल में बुलाएंगे, और ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं। तो दीदी कहीं, हाँ देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी पावर है और स्पिरिचुअल में कितनी पावर है। तो एक हफ्ते के अंदर बालाजी ने ऐसी कृपा की, ऐसी लीला की, पिताजी के कोई मतलब दोस्त वगैरह आए तो उन्हें पता ही था, तो हम लोग धाम अचानक से चले गए। और दीदी उसी वक्त कहीं, अरे यार ये तो एक हफ्ते पहले मुझसे कहा कि कैसे, और अनुष्ठान मैंने किया और इतनी पावर है भैया, अगर आप 100 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो आप वो पावर अपने अंदर महसूस करेंगे। तो ऐसे फिर मतलब स्पिरिचुअल पर्सन बन पाया। फिर हमने ऐसे गुरुदेव का करीबी नहीं बन पाया, गुरुदेव से मिलने के लिए हम लोग भी लाइन में लगते थे, नीचे खड़े होकर इंतजार करते थे। करीब 1 साल हमने तपस्या की, तब जाके गुरुदेव के इतने खास हम बन पाए। अरे वाह। तो ऐसे इस प्रकार रहा और बाकी ऐसे ही रहा फिर। तो कैसे आपको दिमाग में आया कि अब जैसे कि आपने बैक स्टोरी, हम लोग मतलब बैक कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आपने स्कूल छोड़ दिया है। तो ये कैसे दिमाग में आया और कैसे आप कनेक्ट हुए? लाइक 9th में मैं DPS आया, मेरा गांव पड़ेगा अयोध्या पड़ेगा, अयोध्या से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है, मतलब लाइक हम लोग का मंडल अयोध्या ही है। ठीक, तो जब मैं वहाँ पढ़ता था तो मैं बहुत अच्छा था, 9th में यहाँ DPS में आया, 9th में गया। मैं स्कूल बहुत कम जाना पसंद करता था, जब से मैं बागेश्वर धाम गया हूँ पूजा पाठ करता हूँ तब से लाइक कुछ बुरा देखता हूँ ना तो अंदर से बहुत ही बेकार लगता है मेरे को। तो फिर मैंने 6 महीने पहले, अच्छा आज कलयुग ऐसा चीज़ है, अगर आप कोई गलत कर रहा है कोई, आप उसको राय देखेंगे तो मतलब राय देंगे तो आप ही उसके लिए गलत हो जाएंगे, ऐसा होता है। फिर मैंने मतलब युवाओं को देखता था, एक बहन को मैंने देखा DPS में सुट्टा मार रही थी बैठ के, ओ भाई, वॉशरूम में, सोचिए आप, सीक्रेट पी रही वॉशरूम में एक लड़की, लड़के तो लड़के लड़कियां भी, वो नाइट कैंप होता है ना, 9th में फर्स्ट टाइम मैंने वो DPS में नाइट कैंप में गया था, उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया, ना 10th में गया ना 11th में गया मैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब स्कूल नहीं जाना पसंद करता था, मम्मी डांटती थी कि स्कूल क्यों नहीं जाता है तू, और मतलब क्यों नहीं जाते हो। और फिर मैंने 11th में भी जब 10th का एग्ज़ाम दिया मैंने आया, तो मैं एकदम जाना मतलब महीने में 1-2 दिन जाता था, नहीं तो मैं जाता ही नहीं था। मेरा दिमाग वही पूजा पाठ हवन वगैरह करने में लगता था ज़्यादातर, और मतलब क्रिएटिव थिंक ज़्यादा मैं करता था। और फिर लाइक वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बिल्ड करना, हमने लाइक हमारी जो पापा का बिजनेस है एप्लीकेशन, उसका वेबसाइट जितनी भी है सब कुछ मैंने बनाया। अरे DPS के टीचर सर थे, वो भी देखे, कहे कि यार इतना अच्छा बना लिया तुमने। और हमारी फुफा जी हैं, उनकी भी वेबसाइट मैंने बनाया था, अंश जी मसाले करके है। अच्छा। तो वो 10 लाख रुपये उसी वेबसाइट को दे रहे थे, जो मतलब क्रिएट करता है वेबसाइट उसको दे रहे थे। तो मैंने वेबसाइट बनाई उनकी भी, और मतलब क्रिएटिव थिंग मैं करता ही रहता था हमेशा, कुछ ना कुछ नया करता था, किचन
में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो ये सब आप YouTube से सीखे थे? नहीं, YouTube से नहीं, बचपन से तक्षशिला अकेडमी हमारा पूरा प्रीवियस स्कूल था, वहाँ पर लाइक कुकिंग एक्टिविटी वगैरह होती थी ना, तो बचपन से जब मैं नर्सरी में था तभी से वहाँ पर सिखाया जाता था। तो मतलब मेरी रुचि हो गई किचन में, मतलब संडे के दिन लाइक जब मैं 5 साल का था तब मम्मी मेरा मतलब किचन में कभी चाय नहीं बनाती थी, मेरे शौक होती थी किसी घर पर कोई आए तो उसको कुछ अच्छा खिलाएं। अभी भी मैं मतलब मैं सब कुछ कुक कर लेता हूँ, ऐसी क्या चीज़ें मैं नहीं कर सकता, और कोई खाता है ना तो मम्मी से भी अच्छा मुझे मतलब पॉइंट करके जाता है, कहता बहुत अच्छा। ओके, एक बार फिफ्थ में लाइक फिफ्थ क्लास में था मैं, और एक जो ड्राइवर था लाइक हमारे जो तक्षशिला अकेडमी स्कूल था वो फिफ्थ तक एक बिल्डिंग थी और एक बिल्डिंग करीब 10 किलोमीटर्स दूर थी, 6 to 12 अलग थी और फिफ्थ तक अलग थी। तो मैं क्लास फिफ्थ में था, स्काउट लिया हुआ था मैंने, स्काउट कैप्टन भी था, मैजिक में छोटे छोटे बच्चे थे सब, ठीक। वो सबसे मतलब भयानक मोमेंट था तब का हमारे लिए, लाइक बच्चे जा रहे थे और ड्राइवर जो था हमारा मैजिक से जा रहे थे, हम लोग छुट्टी के समय ड्रिंक किया हुआ था अब sure. और सब क्लास नर्सरी थर्ड के बच्चे थे, सब डर गए। उसने एक गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और पीछे से उसको पुलिस दौड़ा रही, वो बचने के लिए पुलिस मतलब पुलिस दौड़ा रही, वो भाग रहा है भाग रहा है, ठीक। ट्रैफिक लगा, गाड़ी बैक हुई, फिर वो गली में ले लिया, गली में लेकर वो गाड़ी चलती गाड़ी ही, मैं बीच में बैठा था, सब रो रहे हैं, उस टाइम मैं सबसे सीनियर था, मुझे मतलब सबको संभालना है ना, तो बच्चे मतलब पूरा रो रहे हैं पूरा रो रहे हैं। मैंने मतलब हनुमान चालीसा मैं भी पढ़ा जा रहा हूँ। उसके बाद फिर जब वो गाड़ी चलती गाड़ी चल रही थी उसकी, गाड़ी छोड़ कर भाग लिया। अच्छा, उतर के बच्चों की केयर नहीं किया लेकिन उसको उतर के भाग लिया। उस टाइम मैं भी वही ज़्यादा नहीं था, 11-12 साल का रहा होगा, तो फिर वो भाग लिया और मैं भी इतना मैच्योर नहीं, मैं क्या करूं कैसे करूं। फिर भी मेरे जिसके घर में गाड़ी रहती है वो तो गाड़ी चलाना सीख ही जाता है बचपन से, तो मैं मतलब मैं जानता था ब्रेक वगैरह लगाना। पीछे से कूद कर, जाली नहीं लगी थी बीच में मैजिक के, कूद कर गया मैं, बचाया, गेट में लड़ गई थी वो गाड़ी, पूरा गेट में लड़ गई थी, अगर ब्रेक नहीं लगाया होता मैं तो सबकी जान चली जाती बच्चों की। अरे बाप रे, वो उस टाइम हमको मतलब बहुत सम्मान भी मिला था, और मतलब जो वहाँ के वो थे एमपी मुझे वो भी देने वाले थे पुरस्कार, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया था। अच्छा, वो सरकार की तरफ से आता है ना कोई अच्छा काम करिए, तो पिताजी इसलिए डर गए कि मतलब GST पे करते हैं तो कहें कि नहीं ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप बैक स्टोरी हम लोग एक और बात कर रहे थे, आपने बताया था कि कोई आप महिला से जुड़े थे जिनके घर में काफ़ी परेशानी हो गई थी, उसके बाद बताइए आप जो बता रहे थे मेरे को स्टोरी। अच्छा हाँ, वो बागेश्वर धाम, आप वहाँ की कमाल देखिए, अभी मैं आ रहा था वहाँ से, तो हमारा वहाँ सब टिकट फुल हो चुका था, तो मतलब AC का कोई टिकट ही नहीं था, पापा को वहीं रुकना था, कुछ काम था, गुरुदेव के साथ बैठक वगैरह थी, तो वहाँ पर हम लोग मतलब हम आए, ट्रेन छूटने वाली थी लेकिन भगवान की कृपा से पहुँच गए स्टेशन पे खजुराहो। उसके बाद खजुराहो जैसे हम लोग पहुँचे हैं तुरंत जनरल का टिकट ले लिया प्लेटफॉर्म, ताकि मतलब TTI टिकट भी बनवा लो अंदर से। हम भाई साहब जो ठहरे कि जनरल का टिकट लिए, हमारे अंदर वो आया कि भाई स्लीपर में मेरे को नहीं बैठना है, हम AC में बैठ कर जाएंगे। तो वो भी हम भी गए सेकेंड AC में जाके बैठ गए और पूरा वेटिंग है लिस्ट। उसके बाद एक माता जी हमको देख ली, कहीं अरे महाराज जी सीताराम, तुरंत सीताराम, वो अपने बेटे को अपनी सीट से हटवा के हमको कहीं आप आराम करिए, और वही मतलब बता रहा था। तो उनकी कुछ समस्या थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो, लाइक उनकी मतलब तंत्र वगैरह जो लोग नहीं मानते एकदम, उनका भाई इतना अच्छा था 2 साल पहले, इतना बेकार हो चुका था। तो हम कहें कि गरीब तो नहीं मिल पाता गुरुदेव से, अमीर अपना प्रभाव दिखाकर गुरुदेव से आकर मिलकर चले जाते हैं, परंतु इस गरीब का कौन रहेगा, ये क्या करेगी बेचारी, गरीब का तो केवल भगवान ही होता है। तो हमने मतलब गुरुजी का PA का नंबर दिया उसको, तो कहा कि आप जितनी भी समस्या है आप उनको भेज दीजिए, फिर वो गुरुदेव को दिखा देंगे ही, क्योंकि अभी हम तो आ रहे हैं, अभी इतने जल्दी हम धाम पर आने नहीं वाले हैं। तो वो बेचारी बहुत खुश हुई, आखिर में उसका भला भी हो गया, बहुत अच्छा हुआ। बहुत ही पीड़ा था, मतलब उसकी परिवार में सब बिखर गया था। अच्छा, जब आप पहली बार बागेश्वर धाम सरकार से मिले थे धीरेन्द्र शास्त्री जी से, तो कैसा लगा था आपको? पहली बार मिला तो रात के 2 बजे मिले थे हम लोग। अच्छा, रात में 2 बजे क्योंकि हमेशा वो 24 घंटा हमेशा बिजी ही रहते हैं, सोने का टाइम पाते नहीं,
हमेशा लाइक 24 आवर्स उनका मतलब हम ना सोएं हमारे सोने में जितना हम सोएंगे उतना किसी गरीब को हम टाइम दे देंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, उनका मतलब थिंकिंग उनकी वो है। अभी ये कन्या विवाह हो रहा था ना, तो एक महापुरुष पूछें कि ये इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, इतना व्यवस्था, इतनी मोटरसाइकिल्स, मतलब ऐसी चीज़ें कहाँ से दे रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये सब सोचते हैं ना। गुरुदेव कहें ठठरी के बरे न कटा, एक साल से हम मेहनत करते हैं, दिन रात सोते नहीं हैं, हम सेवादार मतलब जितने भी सेवादार हैं एक दिन गुरुदेव से कह रहे हैं कि गुरुदेव आप थक जाते हो, आप सो जाइए कुछ देर, आराम कर लीजिए, और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका गला बैठ जा रहा है, आप 8-8 दिनों से 9-9 दिनों से सो नहीं रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं सबके लिए, तो हम लोग सब संभालेंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बेटा वो 151 कन्या बेटी आ रही है ना, हम पर भरोसा करके आ रही हैं, ठीक, और हम सो जाएंगे ना, कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो हम अपने आप को क्या मुंह दिखा पाएंगे, ऐसा उनका वो है। और हम वो मतलब आप समझ नहीं आएंगे कि मतलब उनका मोटिव ये है कि मतलब भारत के जितने मठ और मंदिर हैं वहाँ के दान पात्र से, मतलब सरकार वहाँ से कुछ ना ले, वहाँ के दान पात्र से गरीब कन्याओं का विवाह हो और मतलब गुरुकुलम बने। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले लाइक आजकल के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि पढ़ाई से हम सब नौकर बन सकते हैं, आज की पढ़ाई से नौकर बन सकते हैं, पहले के पढ़ाई में चाणक्य के सम्राट बनाते थे, आजकल हमको नौकर बनना सिखाया जा रहा है, चाणक्य के हम नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल, तो इतना गुरुकुल में जाएंगे बच्चे, और अब जैसे बताया ना डीपीएस में क्या सिखाया जा रहा है, हम तो टीचर्स को भी देखे हैं, टीचर्स खुद पीते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, पूरी रात भर सब शराब पी रहे हैं, बूढ़े आचरण कर रहे हैं, चंचित्र देख रहे हैं, और एक दूसरे के मुंह पर गाली एक दूसरे के लिए रखी हो, क्या होगा। तो ब्रह्मचर्य मतलब मेरा खुद वैसे मतलब हम ब्रह्मचर्य रहना चाहते थे ना, ब्रह्मचर्य एक नहीं कि ऊर्जा हम बचा ली है वो होता है, अपने इंद्रियों पर भी काबू करना रहता है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, सभी इंद्रियों को काबू में करना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य के बारे में बताइए और कि क्या है ये। ब्रह्मचर्य एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति है जो जो कि हमको ब्रह्म मनुष्य से ब्रह्म तक ब्रह्मा बना सकती है, एक ऐसी शक्ति है। हम यहाँ से ब्रह्मचर्य पावर रहे तो अगर आपका मतलब कोई स्पर्श कर दिया आपको उसके सारे पाप मिट सकते हैं, ब्रह्मचर्य एक ऐसी ताकत है। ओके, तो कैसे इसको लिया जा सकता है ब्रह्मचर्य, लाइक आपका तो मतलब ब्रह्मचर्य अपनी ऊर्जा रखिए, अपनी ऊर्जा को आप मतलब चंचित्र ना देखकर अपनी ऊर्जा को आप ऊपर ध्यान करके ऊपर की तरफ खींचिए, ठीक, ये हो गया पहले तो। और प्रातःकाल कम से कम 4 बजे तो बिस्तर सबको छोड़ देना चाहिए, तीव्र बुद्धि अगर चाहिए बच्चों को तो 4 बजे बिस्तर छोड़कर 1 लीटर पानी बासी पियेंगे तो मतलब पेट सही रहेगा, पेट सही रहेगा तो ब्रह्मचर्य सही रहेगा, उसके बाद खूब व्यायाम करें। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए हमको मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, आधा घंटा 1 घंटा जितना आप कर सकते हैं उतना ही मजबूत बनेंगे हम। और मतलब फिर किए उसके बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 2-3 घंटा सुबह के समय पढ़िए, आपसे ज़्यादा मतलब बुद्धिमान कोई आपकी क्लास में नहीं हो सकता, आपके समाज में नहीं हो सकता। ओके, अच्छा जो गुरुकुल के बारे में आपने बात की थी, हाँ, तो आप भी कोई गुरुकुल गए थे। गुरुकुल मेरी कहानी सुनिए, हाँ। जब क्लास में मैं क्लास फर्स्ट में था तो मेरी पिताजी की मतलब इच्छा थी कि हम गुरुकुल में जाएं, मेरा सब कुछ एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन एक होता है ना इमोशंस मतलब जुड़ा होता है ना, मैं रोने लगा, मेरी मम्मी रोने लगी, अभी इतना छोटा बच्चा है कहाँ जाएगा, और अभी मैं सोचता हूँ अगर मैं गुरुकुल गया होता तो मैं आज कहाँ से कहाँ होता। ओके, और तो गुरुकुल में ऐसा क्या होता है जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स में नहीं होता। नॉर्मल स्कूल में लाइक आपको बताया ना कि यही नौकर वाली पढ़ाई सिखाई जा रही है, बच्चों को नहीं बताया जा रहा कि संयम से रहिए, और ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताया जा रहा है। आजकल तो लोग बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य वीर नाश करने से कुछ नहीं होता, आप देखेंगे कुछ नहीं होता उसका मतलब कुछ नहीं, तो बच्चे वही सीखेंगे ना। बिल्कुल, तो गुरुकुलम में हमको वेद से लेकर सभी कुछ सब कुछ हमको पढ़ाया जाता है कि हमको ज़िंदगी में कैसे जीना है, कैसे संस्कारमय रहना है, पढ़ाई का हम क्या करेंगे अगर हम, आजकल तो आप देखते ही होंगे लोग अपने माता पिता को मारते हैं, गाली देते हैं, छोड़ कर चले जाते हैं, ऐसी पढ़ाई का क्या करना, भगवान पल पल का हिसाब लेता है सब कुछ। अरे हम अविनाशी के बच्चे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं,
हम चाह लें, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, बस हमको हमारे विचार में अंतर है। अगर हम संयम से रहें, सही से रहें, भगवान के शरण में रहें, धर्म से रहें, सब काम अच्छा करें, भगवान का हमेशा चिंतन करते रहें, काम करते रहें, तो हम ब्रह्मा बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, हम ब्रह्मा बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो चला है ना सेकुलर सेकुलर सेकुलर, तो देखिए सभी मतलब सभी मुस्लिमों का देश है, सबका देश है। जब गांधी जी देश बदल रहे थे तो मतलब दिक्कत थी उनको, तो चले जाना चाहिए था, क्यों थे देश में। और ये दो कौड़ी की राजनीति जो है हमारे धर्म ये करके गई है, हमारे अंदर ये नहीं था पहले के ज़माने में, तुम मुस्लिम अरे तुम बनिया हो, तुम कहार हो, तुम ये तेली हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब हिंदू हैं, हम लोग का एक मोटिव था हम सब हिंदू हैं, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, ये सब कुछ नहीं है, हम सब हिंदू हैं। तो आज के समय में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, अगर हिंदू राष्ट्र बनना है तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो साक्षी बहन हत्याकांड, साक्षी हत्याकांड हुआ ना, साक्षी बहन की तरह होगा, आपकी बहन क्या पता कल आपकी बहन के साथ वैसा हो जाए। अगर हम नहीं जगेंगे और राम को सब काल्पनिक कहेंगे, और फिर कश्मीरी पंडितों को हालत देखे ही होंगे आप, क्या बुरा होता है, कश्मीर फाइल्स देखे ही होंगे, तो लव जिहाद होते रहेंगे। तो अगर नहीं बने, बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदेशी पार्टियां मतलब इतना मतलब एक हिंदू को गिराने के लिए इतना पैसा खर्च कर रही हैं, अभी हमारे गुरुदेव को गिराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां इतना पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन सब हनुमान जी की कृपा, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कुछ कर पाए उनका। अच्छा, अभी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हाँ हाँ, बागेश्वर धाम सरकार के साथ और सुहानी शाह के साथ, हाँ हाँ, उसको जरूर समझाइए क्या हुआ था। तो देखिए वो लाइक आपका सुहानी शाह, आप जो मन में सोच रहे हैं वो बता सकती हैं, आपके दादा के बारे में नहीं बता सकती हैं। सुहानी शाह आपके दादा के बारे में नहीं बता सकती हैं, और ये सिद्धि अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। सुहानी शाह वो माइंड रीडिंग है, ठीक है, वो माइंड रीडिंग है, और ये सिद्धि गुरुदेव ने सिद्धि पाई है, जो भी पाई है हनुमान जी की पाई है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, तो उन्होंने तपस्या की, उनकी गुरु परंपरा मतलब तीन पीढ़ियों से 321 साल पहले सन्यासी बाबा हुए, उन्होंने एक पैर पर खड़ा होकर लाइक 125 करोड़ हनुमान चालीसा एक पैर पर खड़ा होकर किए थे, 125 करोड़ कुछ होता है। तो हनुमान जी 5 बार उनको साक्षात दर्शन दिए थे। तो हनुमान जी बोले कि मतलब कुछ मांगिए, क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा कि मतलब सबका कल्याण हो। तो हनुमान जी कहें जाओ आज से जो भी यहाँ पर आएगा कब हंसता हुआ रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा बागेश्वर धाम से। और वैसा ही है, कब कोई भी आ रहा हो ना, ऐसे ऐसे लोग आएंगे। अभी तो जल्दी की घटना है, अभी बताए थे गुरु जी पर्चे में लिख उठा था कि 10:11:33 पर आपको बच्चा होगा, और वहाँ पर डॉक्टर वॉक्टर सब मना कर चुके थे, तीसरा ऑपरेशन था उस महिला का और मना कर चुके थे। उसने उसको गुरुदेव पर विश्वास था, उसने कहा आपने ऑपरेशन करिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और सब कुछ कहा कि सब कुछ ख़राब है, ऐसा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, हाँ, लेकिन बच्चा इतना क्यूट हुआ, वो इतना अच्छा हुआ, 10:33 11:33 पे ही हुआ, और उसी समय जो गुरुदेव एक साल पहले लिख चुके थे पर्चे पर उसी समय पर हुआ, उसी मतलब लड़का या लड़की कहते वही हुआ, सब कुछ सही निकला। वो महिला आई थी अभी धाम पर जब कन्या विवाह महोत्सव था ना, तो आई थी। अरे वाह, तो ऐसे छोटे मोटे चमत्कार, बहुत बड़े चमत्कार तो वहाँ रोज हो रहे हैं, वहाँ आप जाएंगे ना देखेंगे तो खुद पता चलेगा आपको। बिल्कुल, तो ये वहाँ दर्शन एक बार जब मंदिर पर आप करेंगे तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपको। प्रेतराज सरकार का पेड़ है, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करिए, आपका मतलब फिर आने का मन ही नहीं करेगा। ये नहीं लगता कि हम कहीं दर्शन करने आए हैं, ये लगेगा कि आपका मेरा दूसरा घर है ये बागेश्वर धाम। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि जैसे बागेश्वर बाबा जो हैं, हाँ हाँ, उनकी तीन पीढ़ी से वो सिद्धि चली आ रही है। हाँ, जैसे लाइक सन्यासी बाबा हुए, उसके बाद फिर दादा गुरु हुए, दादा गुरु से फिर गुरुदेव हुए, गुरुदेव मतलब लाइक अब दादा गुरु हुए, तो दादा सन्यासी बाबा जो थे तो लाइक 321 साल उसके बाद जो उनके दादा गुरु थे जो मतलब लाइक वो विवाह हो चुका था उनका, तो अचानक से उनके सन्यासी बाबा आ गए, तो सन्यासी बाबा उनको प्रेरणा अंदर से देते गए फिर वो मतलब
तपस्या वगैरह किए, साधना मतलब किए, तो फिर उनके पास सिद्धि वगैरह आई। उसके बाद गुरुदेव वही रहे होंगे करीब 9 से 10 साल के वर्ष के। तो एक दिन रोते हुए गुरुदेव के पास गए। लाइक गुरुदेव की स्थिति थोड़ा सही नहीं थी, बहुत ही पुअर थी। गांव में लाइक दिवाली आती थी ना, तो सब पटाखा जब जला लेते थे तो गुरुदेव बचा हुआ पटाखा मतलब पटाखा जो था उसको जलाते थे बीन कर। पिताजी उनके कुछ करते नहीं थे, गुरुदेव को ही सब कर्मकांड मतलब कथा कहीं विश कथा करते थे, सत्यनारायण कथा करते थे, मतलब सभी कथा करके गुरुदेव जाकर मतलब अपने घर का खर्चा चलाते थे। तो गुरुदेव का क्या हुआ, ये कन्या विवाह गुरुजी की ओर शुरू किए। लाइक उनकी बहन में 20,000 की ज़रूरत थी अपनी, मतलब गाय वगैरह सब बेच दिया था उन्होंने, भैंस वगैरह जो थी, तो 20,000 की ज़रूरत थी। कोई देने लायक गरीब का तो कोई नहीं होता, कोई नहीं देता। तो गुरुजी कहे थे बालाजी कभी हमको इस लायक बनाएंगे तो हम कभी गरीब बेटियों का मतलब भारत में कोई गरीब बच्ची शादी के बिना नहीं रहेगी। तो उन्होंने शादी का शुरू किया। और मतलब एक झोपड़ी से आप तो विश्वास नहीं मानेंगे, आपका रूम कभी स्टूडियो इतना बड़ा है ना, उनकी एक झोपड़ी थी, बारिश होती थी पूरा, शालिग्राम भैया हैं उनके छोटे भाई और एक बहन है, ठीक, सब तख्ते के नीचे आ जाते थे, बहुत ही बैड कंडीशन थी। लेकिन हाँ, उन्होंने बागेश्वर हनुमान जी की चरण शरण कभी नहीं छोड़ी। और आप देखिए वही 12 साल उन्होंने, आज सब तो बोलने का बोल देते हैं लेकिन वो भी कहते हैं किसी महल मतलब किसी रूम के नीचे हमने भी 12 साल तपस्या की है तब जाके आज कहाँ से कहाँ हूँ। बालाजी पर भरोसा नहीं छोड़ा। तो उन्होंने मतलब दादा गुरु के पास गए वो रोते हुए कि गुरुदेव आप तो सबका बताते हो, आप हमारे दादाजी हो तो हमको क्यों नहीं बताते, कुछ हमारा भी कुछ बताइए, कहीं गड़ा हुआ धन बताइए। लाइक पन्ना है ना, वहाँ से 18 किलोमीटर है, पन्ना में लाइक ज्वेलरीज वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती है, गोल्ड वोल्ड सोना मिलता है, सोना वोना बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ, तो वही वो सोचें कि यहाँ से 18 किलोमीटर है, गुरुदेव हमको कुछ बताएं, हम भी अमीर हो जाएं, ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो गुरुदेव क्या बोले, गुरु तो गुरु होता है, वो अपने शिष्य को पहचान ही लेता है। तो दादा गुरु ने बोला कि रात को आओ। तो रात में करीब 12 बजे लगभग मतलब समथिंग टाइम था। तो वो गए नहा, उनको नहलवाएं, उसके बाद मंदिर में चढ़ गए। मंदिर में अलग सा प्रकाश हुआ पूरा, साक्षात पूरा एकदम प्रकाश। तो उसके बाद फिर प्रकाश हुआ, उसी दिन से पूरी ज़िंदगी बदल गई। और गुरुदेव एक रहस्य बताते थे अपना, बोलेरो का रहस्य। अच्छा बताइए। बोलेरो का रहस्य है लाइक गुरुदेव यज्ञ करवा रहे थे तो उनके पास पैसा तो था नहीं, तो 4 लाख रुपए करीब दक्षिणा चाहिए थी, राशन वगैरह का सामान। जब मतलब शुद्धि वगैरह आ गई गुरुदेव के पास तो धीरे धीरे सब जाने लगे थे, महाराज जी महाराज जी। तो गुरुदेव यज्ञ करा रहे थे, उनको 4 लाख रुपए चाहिए थी और अगले दिन सबको दक्षिणा देनी थी। तो अब गुरुदेव मन मन पूछ रहे हैं, हे बालाजी हे सन्यासी बाबा हम क्या करेंगे, कहाँ से, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, कम से कम इनका व्यवस्था तो हो जाए। और खूब रोएं खूब रोएं, नींद ही नहीं आ रही। रात में करीब समथिंग 12-1 बजे सन्यासी बाबा मतलब जल लेकर गुरुजी मंदिर पर चढ़ रहे थे। जैसे कुछ सीढ़ियाँ चढ़े गुरुदेव तो वहाँ से आवाज़ आ रही है, गुरुदेव सन्यासी बाबा साक्षात प्रकट हो गए साक्षात। तो आवाज़ आ रही है लाइक तू चिंता मत कर, सुबह तक तेरी व्यवस्था हो जाएगी। साक्षात वो प्रकट हो गए। उसके बाद गुरुदेव गए, गुरुदेव एकदम दंग, पहली बार सन्यासी बाबा के दर्शन पाए। तो फिर सुबह एक आदमी सफ़ेद कुर्ता और नई बोलेरो से आ रहा है, गुरुजी से कह रहा है गुरुजी आपको कुछ देना है, गुरुजी आपको कुछ देना है। गुरुजी कहें क्या देना है, वहाँ पर नहीं कहा कि गुरुजी आपको कुछ पैसे देने हैं। तो हम कहें पैसे, जाइए वहाँ कार्यालय में जमा कर दीजिए। तो कह रहा है कि गुरुजी नहीं आपको देने हैं। तो मतलब गुरुजी बिजी थे थोड़ा, तो मतलब वो रख के चला गया पैसा और लाइक तुरंत वो गायब हो गया, तुरंत वो आदमी तुरंत गायब हो गया, आज तक नहीं मिला, वो आज तक नहीं मिला। गुरुजी मतलब पीछा किए उसका, वो आज तक नहीं, वो सन्यासी बाबा ही आए तुरंत। और आप तो मतलब बिलीव नहीं करेंगे, सन्यासी बाबा कहीं भी चले जाते हैं, वो साक्षात बालाजी हैं ना, हनुमान जी वहाँ प्रकट है, वो बालाजी मानिए सन्यासी बाबा कहिए उनको। तो मतलब कहीं भी लाइक एक विदेश फॉरेन थी, कह रही है गुरुजी कल आप हमारे घर पर आए थे ना, आप तो आए थे हमारे घर, आके कह रही थी गुरुजी आप हमारे घर पर आए थे। गुरुजी कहें हम तो कहीं नहीं गए,
मतलब वो रूप बनाकर कहीं भी जा सकते हैं, जाते हैं बहुत जगह, ऐसे बहुत से मतलब केस आए कि सन्यासी बाबा साक्षात गुरुदेव का रूप बनाकर चले जाते हैं। अच्छा हाँ अच्छा, तो एक सवाल जो सब लोग के दिमाग में रहता है कि जैसे जब उनकी कई सारे हम लोग रील्स वगैरह देखते हैं इंटरनेट पे, तो उसमें वो पर्ची निकालते हैं है ना, और उसमें पर्ची में पहले से लिख देते हैं कि क्या कैसे होने वाला है, तो वो कैसे होता है? लाइक देखिए उसका मतलब एक प्रक्रिया है, लाइक दूध है, दूध से हम पूड़ी निकाल सकते हैं जब तक घी नहीं बनाएंगे, उसका मतलब एक वे है, उसको मतलब हम मलाई निकालेंगे, मलाई को फिर जलाएंगे, उसके बाद तब उसमें घी निकलता है ना। तो लाइक सिद्धि पाने के लिए सिद्धि भी कई तरीके से होती है, एक तो पिशाच को लोग पूछते हैं, एक हनुमान जी की सिद्धि होती है। तो जो पिशाच को पूछते हैं वो आपके मतलब भूत का बता सकते हैं, आगे का नहीं बता सकते, तंत्र मतलब तंत्र मंत्र जिसको जो भी कहें, और ये हनुमान जी की सिद्धि होती है, हनुमान चालीसा की सिद्धि होती है। तो आप हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, आपको हनुमान चालीसा सिद्ध साखी गौरीसा मतलब भगवान शंकर बनाना की तरह बनाना चाहती है, आप अवश्य सिद्धि पाएंगे अगर हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं सत बार डेली। अगर आप 40 दिन का अनुष्ठान होता है, इसमें 40 दिन तक अगर आप 100-100 पाठ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर राम जी को बुलाकर दिया जलाकर सरसों का कर रहे हैं, तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। हनुमान जी आपको किसी ना किसी बुड्ढे के रूप में, किसी संत के रूप में, किसी ना किसी रूप में आपको सामने से आके दर्शन जरूर देंगे। ये है ओके, तो उनको मतलब कि बेसिकली सिद्धि प्राप्त है, सिद्धि प्राप्त है, उन्होंने भी 125,000 पाठ हनुमान चालीसा एक पैर पर खड़े होकर की है। अच्छा हाँ, पैर कट गए थे, पैर में मतलब लाइक डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर हो जाएगा, गुरु तो गुरु होता है, दादा गुरु तब तो थे, गुरुदेव ने अपना मतलब नहाया हुआ कुछ गमछा या कुछ था उनके पैर पर फेंक के मार दिया, उसी दिन से वो ठीक हो गया। ओ भाई, डॉक्टर ने बोल दिया था कैंसर है, ये है वो है, फिर भी गुरु ने ठीक कर दिया। ऐसी ऐसी मतलब आते हैं, तो आप खुद ही देखेंगे वहाँ एक बार जाकर। बिल्कुल सही, आप जितने भी साधु संत भारत के हैं सब उनसे प्रभावित हो जाते हैं तुरंत। सब एक बार तो मतलब कोई भी विरोध करे, पहले तो होते थे लेकिन अब सब साधु संत जगत गुरु के सबसे प्रिय शिष्य भी हैं वो। अरे वाह, अच्छा उनके बारे में बताइए, जगत गुरु के बारे में। जगत गुरु वो जौनपुर में उनका जन्म हुआ था, वो भी गिरधारी लाल मिश्रा उनका नाम था, और वो भी वशिष्ठ गोत्री हैं, हम भी वशिष्ठ गोत्री हैं। तो वशिष्ठ मतलब वशिष्ठ गोत्र मतलब ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा उच्च माना गया है। तो उनका जन्म हुआ था, तो उनकी मतलब जो 2.5 महीने के जब थे वो, उनके दोनों नेत्र चले गए थे, तो उनके नेत्र चले गए, फिर मतलब वो राम नाम में एकदम लीन थे, अभी भी 200,000 राम नाम प्रतिदिन वो जप करते हैं इतने बिजी होने के बाद भी। तो वो 5 साल की उम्र में मतलब सब कुछ जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं सब उनको मतलब कंठस्थ थे, सब कुछ कंठस्थ थे, 5 साल तक 7 साल तक सब हो गए थे, रामचरित मानस भगवत गीता होता सब कुछ, और कितने ग्रंथ वो लिख चुके हैं अभी तक, और जान लीजिए वो तुलसीदास के साक्षात रूप हैं, स्वरूप हैं जगत गुरु। और राम मंदिर आज बना है, सब उन्हीं की देन है। मुसलमान जज भी मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि वो भी कह दिया आखिर में यू हैव डिवाइन पावर। वो भी कह दिया आखिर में यू हैव डिवाइन पावर। तो अच्छा, काफ़ी सारे बड़े लोग जो हैं उनसे दर्शन लेने जाते हैं? ऐसा नहीं है, वो तो जगत गुरु है ना, बड़े लोगों की वीडियो बनकर वायरल हो जाती है तो हम आप देखते हैं कि उनसे मिलने जाते हैं, मिलने को तो सब मिलते हैं उनसे। अब ऐसे गुरुदेव से ही देखते होंगे बागेश्वर धाम, तो बड़े लोग अपनी वीडियो बनाते हैं, उनको क्या चाहिए कि हम, असल में गुरु को ही आधे लोग मानते हैं, उनको गुरु को उनका प्रभाव देख कर आधे लोग गुरु मान रहे हैं, साक्षात में उनके आचरण नहीं अपना रहे कि मतलब उनकी अच्छाई क्या है, उनका चरित्र क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, आधे लोग उनका प्रभाव देखकर उनको गुरु बना लेते हैं कि गुरुदेव के साथ फोटो खिंचाएंगे, हमारा भी ये होगा वो होगा, तो ऐसा ओके ऐसी मेंटालिटी है सबकी। तो ऐसा नहीं है, सब के लिए है, वो तो जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं ना। बिल्कुल, अब थोड़े से और चमत्कार के बारे में बताइए जो आपने बागेश्वर धाम में रह के देखे हैं। चमत्कार तो हमने बहुत देखे हैं, बताइए। हम अपने यहाँ बता रहे हैं, हम लोग ये पन्ना जंगल से आ रहे थे, वहाँ पर शेर वगैरह तो रहते ही हैं, वो थोड़ा वन विभाग वाले मतलब जाली वगैरह लगाए हैं तब भी आ जाते हैं। हम लोग की गाड़ी से अचानक से इंजन से धुआं निकलने लगा, ठीक हम लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आ गया है, जैसे थोड़ा जंगल क्रॉस किए तुरंत पूरा मतलब धुआं और ज़्यादा बढ़ गया, तो पापा मतलब डर गए दग ना जाए इंजन वगैरह, तो फिर उसमें मोबिल वगैरह कम हो गई थी शायद, तो
अचानक से एक ब्रीजा गाड़ी से एक आदमी आया और कहा कि ये मोबाइल वगैरह मिस्त्री लेकर आया। अचानक से वो मिस्त्री बताया और फिर मतलब पैसा भी दिया, वहाँ ऑनलाइन होता नहीं था तो वो मेरे को कैश दिया 10,000 रुपये या कुछ समथिंग ऐसे कुछ दिया था, 2-3 हज़ार की 10,000 कि आप इसको करवाइए। और अचानक से वो गायब हो गया। अच्छा, अचानक से वो गायब हो गया। तो वो हम लोग बालाजी के दर्शन करके आ रहे हैं, बालाजी साक्षात आए थे, नहीं तो आप हमको रास्ते मिलेंगे अचानक से 10,000 या 2,000 रुपये दे देंगे ऐसे। जहाँ कैश की ज़रूरत है, ऑनलाइन नहीं चलेगा और आप विषम परिस्थिति में हैं तो आप कैसे क्या करेंगे। तो यही सब है, बहुत कुछ हुआ पिताजी के ऊपर। अभी 2 साल पहले हम लोग लाइक सच बताएं, गरीबों का कोई नहीं होता, जब तक आपके चेहरे पर चमक है, चेहरे पर मुस्कान है ना, तब तक सब आपके आपके पास ये पैसा रहेगा ना तो पूरी दुनिया आपके साथ रहेगी। और लाइक हमारे यहाँ ये दिवाली का सीजन था तो फिर पिताजी मतलब कोई पैसा मांगा या कुछ हुआ ऐसे, तब से हमारे यहाँ की 2 साल पहले की बात है जब बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े थे तो उसके 2 साल पहले की बात है, तो वहाँ मतलब कोई आया तो पैसा जितना भी आना था सब उसी दिन से पैसा आना बंद हो गया। अच्छा। और हमारे यहाँ सरकारी पैसा भी लाइक सरकार के पास खुद करोड़ों रुपये रुके हुए हैं, वो सब आ ही नहीं रहा था, एकदम सब बंद हो गया था, सब बंद हो गया था। तो हम लोग बहुत परेशान, तब तो बागेश्वर धाम का नाम भी नहीं जानते थे, इधर ओझा के चक्करों में, इधर कई मतलब सबके चक्करों में पड़े। तो कोई अब धीरे धीरे रिश्तेदार, हमारे पिता हम एक बहन की शादी किए, उन्होंने वो भी ताना दे रहे हैं कि मतलब घर चले आओ जब पैसा नहीं है, तो मतलब वो सरकारी नौकरी कर रही हैं, ये नहीं कह रही कि हम आपका दे दे रहे हैं, मज़ा ले रही हैं कि घर चले आओ पैसा नहीं है। तो फिर हमने बालाजी से जोड़ा, सब कुछ सीरे मतलब जो पापा समाज सेवा करते हैं ना, पापा बिजनेस करवाते हैं सबसे, लाइक हमारी ग्राम औद्योगिक विकास संस्था है, हम लोगों ने मतलब वो कहा है कि हम खुद अब बिजनेस में उतर लिए हैं गुरुदेव के कहने से पे, आने वाले कुछ सालों में देखेंगे ना जो लोग गाय माता को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ऐसे रोडों पर कटने दे रहे हैं, हम खुद ऐसा आएगा कि लोग वही गाय को पकड़ के बांधेंगे, वो जो गोबर होता है ना गोबर को मतलब हम लोग खुद खरीदेंगे उनसे, गोबर से हमारा सारा प्रोडक्ट बन रहा है, सांवरानी का धूपबत्ती अगरबत्ती मतलब ईच एंड एवरीथिंग। और जो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं उसमें बांस होता है, बांस को जलाना नहीं चाहिए, बांस को हाँ हमारे हिंदू धर्म में जलाना नहीं चाहिए हाँ। तो बांस को मतलब हम लोग बैम्बूलेस अगरबत्ती बना रहे हैं, आप उसको हम देंगे आपको बैम्बूलेंस अगरबत्ती है, आप देखेंगे बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट है सब, उससे चौकी हुआ और घड़ी वॉल क्लॉक हुई, मतलब एवरीथिंग हम लोग बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद हुई एंड हम लोग आजकल खाना खा रहे हैं सब जहर ही तो खा रहे हैं, क्या सही खा रहे हैं, कुछ नहीं सही खा रहे हैं। तो मतलब ये सब करा रहे हैं। तो पिताजी के ऊपर करीब मतलब जितने ये चरखा होता है ना गांधी जी वाला, तो हमारे मतलब खादी इंडिया है हमारा, तो उसी संस्था है, तो मतलब सब कुछ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, क्लोथ से लेकर एवरीथिंग, खादी प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं। तो पिताजी करीब 50-100 मोर देन पीपल को चरखे दिए हैं, सोलर चरखे होते हैं ना जो गांधी जी चलाते थे, धागे बनते थे तो उसको दिए। तो फिर पिताजी का मतलब ऐसे यही दिवाली से ये हुआ, तो पूनी देते थे पापा सबको, पूनी जो मतलब कॉटन होते हैं, कॉटन देते थे सबको, तो वो बंद हो गया धीरे धीरे, मतलब जब पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे। तो फिर सब जिसको मतलब जो इन्वेस्ट किया भैया उसको सामान नहीं मिलेगा तो वो तो नाराज होगा ही, वो भी गरीब कर रहा है, तो पिताजी भी परेशान क्या करें। तो करीब 50-60 लोगों ने पिताजी के ऊपर FIR कर दिया। अच्छा। सभी लोगों ने जिसके पास जितने भी चरखे थे सभी लोगों ने मिलकर, पिताजी पर कोई नहीं है, कौन सपोर्ट है, पिताजी के भाई भी मतलब कोई मतलब परिवार में कोई नहीं साथ दिया, सब मजा ही लेते थे, अब क्या बताएं। तो फिर गुरुदेव के कृपा ही हुई, हम लोग वहाँ से जुड़े। आप ही सोचिए, आप अरेस्ट हो जाएंगे जब आपके ऊपर 50 लोग FIR करेंगे, होंगे कि नहीं, लेकिन आज तक ना कोई वो हुआ ना कुछ हुआ। पिताजी तुरंत हाई कोर्ट पहुँचे, एक DIG थे उनके मित्र थे, उन्होंने उनको राय दी, मतलब सब कुछ दिए, तो एवरीथिंग स्टे लग गया है, सब सही है, बिल्कुल सब बालाजी की कृपा है। अच्छा, जैसे बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बालाजी से सब ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बाला बागेश्वर हनुमान जी जी, तो हनुमान जी के बारे में 2-4 चीज़ें बताइए जो बाकी मेन जनता को नहीं पता है। लाइक किस चीज़ के बारे में बताएं हनुमान जी के बारे में, लाइक वो कलयुग के राजा हैं, ठीक है, और माना जाता है कि हनुमान जी वो चिरंजीवी में से एक हैं। हाँ,
हाँ, हनुमान जी के लोग कहते हैं कि विवाह नहीं हुआ था, लेकिन हनुमान जी का विवाह हुआ है, परंतु वो ब्रह्मचारी हैं। जो लोग ये मेंटालिटी पाल रखे हैं कि विवाह के बाद हम ब्रह्मचार में नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं हम, अगर मतलब अपने इंद्रियों को काबू में करके संयम से रहें तो विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य में रहा जा सकता है। तो हनुमान जी को एक विद्या चाहिए थी, तो वो बिना विवाह के उसको मतलब लेना मुश्किल था। तो सूर्य की पुत्री थी, तो वो भी मतलब भक्ति में थी, नाम तो नहीं पता मेरे को, तो वो भी भक्ति में बहुत थी। तो सूर्य देवता ने कहा था कि हमारे बेटी से आप शादी करिए और ये विद्या आप ले लीजिए। तो हनुमान जी की शादी हुई है, ऐसा माना जाता है, मतलब लिखा गया है शास्त्रों में, तो हुआ है। और हनुमान जी तो कलयुग के राजा हैं ही, ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी ना कर सके। कलयुग मतलब ऐसे ही आपको मतलब कोई भी मनोकामना हो, आप हनुमान जी का नाम लेकर छोड़ दीजिए, हनुमान जी उसको पूरा करेंगे, जरूर करेंगे। तो है कलयुग के राजा, मतलब कलयुग में सबसे श्रेष्ठ देवता, देवी देवताओं में से हनुमान जी सबसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे देवता हैं। अच्छा, अगर काले जादू वगैरह की बात की जाए, हाँ, तो आप बागेश्वर धाम में वो भी देखेंगे काफी ज्यादा उनके भी केसेस आते हैं। केसेस लाइक प्रेतराज सरकार का पेड़ है ना, सब जैसे लाइक वहाँ मंदिर प्रांगण में जैसे आप एंट्री लेंगे, आपके ऊपर अगर कोई निगेटिविटी है, मतलब कोई निगेटिव आत्मा या कुछ भी है, ब्लैक मैजिक है, तो आप तुरंत मतलब आप अपने बस में नहीं रहेंगे फिर, लाइक बाल वगैरह ऐसे ऐसे मतलब पूरा शरीर हिलने लगेगा, और प्रेतराज सरकार का पेट छूइए सब सही हो जाता है। ऐसा माना जाता है 21 बार पेशी करने से कितनी भी बुरी आत्मा रहे सब सही हो। गुरुदेव तो अभी बहुत बड़ा वो करने जा रहे हैं कि मतलब आपको तांत्रिकों के चक्कर में नहीं रहना है, हम ऐसी एक मतलब कवच बनाने जा रहे हैं बालाजी की, कि आप जो ये ओझा वगैरह जो रहते थे ना, ये लोगों को लूटना, बुरी हरकतें करना और हली उल्ला वगैरह ये सब रहते हैं ना, तो ये सब सब छुटकारा कर रहे थे। कहते हैं गुरुदेव कि तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, हारे का सहारा बागेश्वर धाम हमारा। हाँ बिल्कुल, तो मतलब ये सब चीज़ असली होती है। हाँ जरूर होती है। अब लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, शक्तियाँ नहीं होती, और घर में बैठने से कहने से कुछ होगा नहीं, वहाँ जाइए, नहीं होती तब बताइए, वो तो साफ कहते हैं नहीं होती तब बताइए। बिल्कुल, जो कहते हैं कि नहीं होती, सनातन में कोई धर्म शक्तियाँ नहीं है, सनातन धर्म कुछ नहीं है, तो जाइए तो पता चलेगा आपको ना, मस्ट विजिट। जाकर कह दीजिए मंदिर पर, आज से तुम हमारे हम तुम्हारे, तब देखिए चमत्कार अपने जीवन में। मूल सनातन धर्म का मूल लाइक मोटिव, हाँ मोटिव क्या है सनातन धर्म का? उद्देश्य है लाइक वसुधैव कुटुंबकम, हमारा सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। इस जगत में सब कुछ मतलब सब लोग अपने हैं, अपना भाई मानना चाहिए, सब अपने हैं, हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है। दूसरा, विश्व में शांति, जब हमारे यहाँ आरती होती है तो कहा जाता है ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कहा जाता है ना जी। तो हमारे सनातन धर्म की क्या मतलब, हमारा ना हो पूरे विश्व का कल्याण हो। और तीसरा हो गया करुणा बांटना, आपस में करुणा बांटना, और जीते जी मोक्ष को पा लेना, हमारे सनातन धर्म का उद्देश्य है जीते जी, मतलब हम लोग संसारिक भोग भी मतलब वो हो ले और जीते जी मोक्ष को भी पा ले, मतलब अमर हो जाए, ताकि फिर से हमको मतलब 74 कितना मतलब योनियां हैं, मतलब किन्हीं योनियों में फिर से दोबारा ना भटकने के लिए, क्योंकि इंसान तो भटकेगा ही, अपने कर्म के हिसाब से सब चलते हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। एक लाइक मांस शराब या मांस खाते हैं, अभी हमको एक सुई लग जाती है, हमें इतना दर्द होता है ना, तो मतलब आप मांस खा रहे हैं, बकरे को काट कर खा रहे हैं, मुर्गे को काट कर खा रहे हैं, तो आपके साथ भी भगवान वैसा ही करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसी रोड पर ऐसे चिथरे पड़े मिले रहते हैं सब। और देखिए, पूरे विश्व को सूत्र में पिरोना, मतलब गुरुदेव ने लिखा है इस किताब में, और अहिंसा प्रेम सबको सिया राम में देखना, कहा रामचरित में लिखा गया है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, मतलब पूरे विश्व को सिया राम में देखना, सबको मतलब सबके अंदर भगवान का दर्शन करना,
तभी मतलब किसी के लिए मतलब निगेटिव नहीं रहेगा हमारे माइंड में। और मतलब मोक्ष मतलब क्या, जीते जी हम कोई हमारे से बुरा कर्म ना हुआ हो और भगवान को हम पा सकें, भगवान तक हम पहुंच सके। सही बताएं तो देवी देवता भी तरसते हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिले, ताकि हम और भजन करके और मतलब पुण्य करके भगवान के और करीब हो जाएं। और हम आप तो मनुष्य जीवन पाकर मतलब इतना बुरा आचरण कर रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, तो मतलब सभी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को देखें, वो कोचिंग जा रहा है क्या कर रहा है, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ रहा है, ये नहीं। आजकल के माँ बाप क्या कर रहे हैं कि हमारा बच्चा 8 घंटा पढ़ रहा है, 12 घंटा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है उस पढ़ाई में, क्या कर रहा है मोबाइल के पीछे, वो क्या कर रहा है वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा किताब खोल के मतलब अंदर मोबाइल चला रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, ये कर रहे हैं। उसको संस्कार नहीं सिखा रहे, मतलब इस संस्कार से रहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कोई वृद्ध मतलब रहे तो उसको नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो 500 रुपये दान पेटी में डाल देंगे, लेकिन एक बाहर भूखी औरत बेचारी भूखी है तो उसको 10 रुपये का कुछ खिला नहीं पाएंगे। हम लोग को क्या चाहिए। और मंदिरों में क्या हो रहा है आजकल, मतलब गुरुदेव ने बहुत अच्छा किया, जो कुछ ऐसे साधु संत हैं कि अपना वो परिवार बना रहे हैं, इसीलिए गुरुदेव ने ठाना कि मठ मंदिरों से गुरुकुलम बने और गरीब कन्याओं का विवाह हो, वहाँ अगर हो रहा है और अगर ऐसा होने लगेगा तो हमारा भारत विश्व गुरु बहुत जल्दी बन जाएगा। जिस दिन गौ माता मतलब गौ माता हमारे यहाँ, देखिए हम लोग भी भारत को माता कहते हैं, हमारे यहाँ माता पूजनीय है, भारत माता, गौ माता, गंगा माता, क्या आपने कभी चीन माता सुना है, पाकिस्तान माता सुना है? तो हम लोग देखिए भारत माता है, गौ माता है, मतलब हम लोग का मातृत्व देश है पूरा माँ के समान। और नारियों को मतलब 14 रत्नों में एक कहा गया है, नारियों को 14 रत्नों में किया, इसीलिए हम लोग मतलब बुरा विचार नहीं लाना चाहिए, माता मतलब सभी बहन को, सबको मतलब बहन के समान, माता के समान देखना चाहिए। ये तो ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी वो लाइन है, और मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है पालन करना कि सबको माता और बहन के समान देखना। और आजकल के तो ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाटक चला है ना, तो सब मतलब ले डूबता, सबको कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। सब जब तक पुण्य पिछले जन्म का पुण्य रहता है वो हमको आगे आके बचाता है। और हमसे एक लोग पूछ रहे थे कि लहसुन प्याज खाने से क्या होता है, हम तो नहीं खाते, तो हमसे पूछ रहे थे क्या होता है। हम मतलब लहसुन प्याज खाना कोई इतना बड़ा पाप, मांस मदिरा का बराबर पाप नहीं लगेगा, लेकिन लहसुन प्याज जो होता है वो आपका पिछले जन्म का जो मतलब पाप जितने रहते हैं वो सब जागृत कर देता है। अच्छा, ये होता है क्योंकि लाइक लहसुन प्याज हम लोग क्यों नहीं खाते, हमारे हम कहते हैं हमारे अंदर भगवान है ना, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता लहसुन प्याज, प्रसाद भगवान को जो लगता है, लहसुन प्याज का तो लगता नहीं। तो मतलब हमारे अंदर भगवान है, जब हम पाते हैं लहसुन प्याज तो हमारे अंदर भगवान तो ही मतलब हैं, पा रहे हैं, इसलिए हम लोग लहसुन प्याज अपने सनातन धर्म में वर्जित किए हैं, ऐसा कुछ है नहीं लहसुन प्याज। और अच्छा, आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस किताब से दे रहे हैं, इस किताब के बारे में बताइए। ये किताब सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए जी। इस किताब को गुरुदेव भगवान ने गुरु कृपा से लिखा था, लाइक उन्होंने एक बहुत ही अच्छे परिवार में गए थे, उनका परिवार बहुत ही संस्कारमय था, बहुत ही अच्छा था, परंतु उनका बेटा जो था वो अपने मतलब बहक जाने के कारण धर्म बदल दिया था, किसी अन्य पंथों में चला गया था। तो गुरुदेव को ऐसा मतलब गुरुदेव ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या कमी थी अपने सनातन धर्म में जो तुमने अपना धर्म बदल दिया। ऐसे नहीं, बहुत से लोग मतलब अलग पंथों के लोग ना, तो पैसा दे देकर मतलब गरीबों को अब धर्म बदलवा ले रहे हैं। और तब गुरुदेव के दिमाग में ये आया कि अभी तो एक ही मैंने देखा है, इस भारत में कितने लोग बदल जाएंगे और हमारा सनातन धर्म कहाँ से कहाँ चला जाएगा, सब बच्चे कहाँ हिंदू परिवार चला जाएगा। तो इसलिए इस किताब को मतलब उन्होंने 1 महीने की या कुछ दिन की अज्ञातवास ली थी बीच में, तो अज्ञातवास लेकर उन्होंने ये किताब लिखी है। अरे वाह, ये सभी मतलब सभी बच्चों को, सभी युवाओं को जरूर पढ़ना चाहिए। और हम सबको मतलब घर में बैठ के रील चलाने से देखकर नहीं होना है, हिंदू राष्ट्र उनका संकल्प है, वो हमारे और आपके लिए हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, अपने लिए नहीं। वो भी चाहते तो दरबार लगा के पैसा लाओ, हम अपना आराम करें, यहाँ
इधर उधर भटकने की, मतलब कन्या विवाह के लिए इतना परेशान, ना सोना ना खाना, खाना तक नहीं खाते वो, एक टाइम खाते हैं 3-3 बजे। ये पूज्यपाद इंद्रेश जी महाराज हैं, तो उन्होंने मतलब गुरुदेव को देखा 3 बजे खाना खा रहे हैं, तो इंद्रेश महाराज कह रहे हैं, सोच रहे हैं मन में कैसे आदमी कैसे खा रहे हैं, तो गुरुदेव को पता सब होता है, कह रहे हैं भैया हम में ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, हमको समझ नहीं पाओगे। मतलब पता है कि क्या सोच रहे हैं वो। तो और उनके पिताजी थे, तो लंदन में या कहीं कथा चल रही थी, गुरु जी भी वहीं गए हुए थे, तो 25-30 लोग का ग्रुप बना हुआ था, तो वो कह रहे हैं, तो मतलब कुछ लोग पूछ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बताइए, तो तुरंत उनके मतलब चिंतन कर रहे थे सब वहाँ बैठकर, उनको मतलब याद कर रहे थे, तब तक गुरुदेव उनके पास फ़ोन कर दिए, तो उन्होंने बोला हाँ जी कौन, तो वो बोल रहे हैं पिताजी हमको, आप हमको याद कर रहे थे, तो मैं भी सोचा आपका बेटा थोड़ा आपको याद कर ले, उनको पता है मतलब आप वहाँ बैठे हैं, उनका मतलब चिंतन कर रहे हैं, तो उनको पता है कि आप हमको याद कर रहे हैं, मतलब उनको सब कुछ पता है कौन क्या कर रहे हैं, हमको लगता है हम यहाँ बैठकर आपके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उनको वो भी पता है कि हम आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे वाह, उनको सब कुछ पता होता है, उनका नाम लीजिए और सब कुछ मतलब वो सब सही कर देंगे आपके जीवन में, 4 चांद लगा देते हैं। बढ़िया, वही कहते हैं कि जो जमीन पर बैठा है सितारों की खबर रखता है, जो जमीन पर बैठा है सितारों की खबर रखता है, उसको आप क्या खबर करोगे, वो तो सबकी खबर रखता है। वाह वाह। तो इस किताब का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ये सनातन धर्म क्या है, या फ्लिपकार्ट से, या मतलब सनातन धर्म क्या है गूगल पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या बागेश्वर धाम जाकर कार्यालय से इसे ले सकते हैं। और इसको, इस किताब की मतलब गुरुदेव बच्चों को देंगे, स्कूल में वितरण भी करवाएंगे, तो इसके मतलब परीक्षा भी लेंगे, एग्ज़ाम भी लेंगे इस किताब से। अच्छा, एग्ज़ाम भी लेंगे, और जो लाइक जो आएगा उसको मोटरसाइकिल स्कूटी जैसे मतलब जो जिले वाइज जो फर्स्ट वगैरह आएगा, तो बहुत जल्दी ये करेंगे गुरुदेव। अरे मतलब बेसिकली कॉम्पिटिशन। हाँ हाँ, सही है। तो काफ़ी एक अच्छे मोटिव के साथ, एक काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट को हम लोग यहाँ पे विराम देना चाहेंगे, और इसका पार्ट 2 हम लोग भैया के साथ बहुत जल्द लाने वाले हैं, और भी चीज़ें सीखने वाले हैं, और भी चीज़ें जानने वाले हैं। और आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश लोगों के लिए। दुनिया को चाहने वाला बिखर जाता है, दुनिया को चाहने वाला बिखर जाता है, परंतु राघव को चाहने वाला निखर जाता है। वाह वाह। एक मैंने लाइन लिखी थी आज की युवाओं के लिए, लाइक मतलब उसमें मैंने कुछ परिवर्तन किया है। तो होता क्या था, काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, मैंने ये लिखा था, फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम, घोर निद्रा तथैव च, मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आजकल के युवा ये कर रहे हैं। तो इसी इतनी बड़ी, इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया से संदेश के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और अब हम लोग जो है भैया को एक ऐसा गिफ्ट देने जा रहे हैं, एक ऐसा ऑनर देना चाहते हैं जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। तो भैया ये आपके लिए। हमें बहुत अच्छा लगा साहिल भाई के साथ पॉडकास्ट करते हुए, और हम बागेश्वर भाला जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत ज़्यादा फले फूलें और बहुत ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर बढ़ें, और दुनिया के नंबर वन पॉडकास्ट रिकॉर्डर बने, और बहुत अच्छा ही मतलब इनका सेटअप है, और सब कुछ हमको अच्छा लगा। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा कुछ किया है, और कोई राजा तुरंत नहीं बन जाता है, धीरे धीरे सब राजा बनते हैं। तो हमको ज़रूर विश्वास है, ये अपने माता पिता का, अपने परिवारजनों का संस्कार से रहकर, धर्म से चलकर नाम रोशन जरूर करेंगे, यही बालाजी के चरणों में कामना है। जय सियाराम, जय हनुमान।